क्या क्या गाने सुन रहे हो आप लोग? हर तरीके की, मतलब आई फील लाइक इज द मोस्ट लूप पे क्या चल रहा है अभी? लूप पे मैं मेहंदी हसन साहब को सुनती हूँ, नुसरत साहब को सुनती हूँ, अच्छा आबिदा जी को सुनती हूँ, कोक स्टूडियो सुनती हूँ, तो ये सब कोक स्टूडियो का चीज़ें। फेवरेट गाने पे आ जाओ। मगरोला चाबी रिलीज हुआ है। हाँ वो बहुत ही प्यारा, मतलब एक बार सुन के ऐसा लगा कि बस ये है अच्छा समथिंग, या बहुत अच्छा। एंड फॉर यू कनिष्क? मैं एक्चुअली लूप पे तो यही बोलूँगा कि मैं ड्रम एंड बेस बहुत सुन रहा हूँ आजकल। मुझे म्यूज़िक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और अब जो मेरे आगे के रिलीजेज हैं वो भी कुछ दो तीन ड्रम एंड बेस गाने हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ फॉर इंस्पिरेशन, कि एज इन जो मैं कर रहा हूँ और जो एक्चुअली जो साउंड जो बाहर है ड्रम एंड बेस की, वो वॉट इज़ इट दैट्स मेकिंग इट्स सो एक्साइटिंग, एंड ऐसा क्या है जो मैं अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो फ्रॉम अ वेरी लर्निंग परस्पेक्टिव मैं वो ये जॉनर को बहुत सुन रहा हूँ, ड्रम एंड बेस को। बट वैसे मैं सुनता रहता हूँ हर तरीके का म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रल हो गया, आपका R&B हो गया, फिर आजकल आई वुड से द मोस्ट ट्रेंडिंग जॉनर इन पॉप इज एफ्रो पॉप। कवालियां ये सब सुनती थी, मतलब जो ब्रेक थ्रू गाने जो हो रहे हैं पॉप में, आई मीन यू ऑलरेडी हैव ट्रैप, यू ऑलरेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल म्यूजिक मेजरली, पर एफ्रो पॉप इज बेसिकली योर African musical elements, especially your rhythm, and वहीं के या तो singers हो गए and they're kind of, you know, making melodies which are kind of pop. तो I think the last hit I would say वो Tyla का जो गाना है Water, हाँ, बहुत famous हो गया है अभी तो, काफी trend भी कर रहे हैं Instagram. She's like the latest, yeah, see, she's like a new artist and like her song has blown. She's won a Grammy and she's like making waves everywhere. तो ये भी जैसे अभी ये जो फिल्म आई थी क्रू, हाँ, उसका जो गाना है नैना नैना, दैट इज एफ्रो पॉप, लाइक उसका जो पूरा ग्रूव है इट्स वेरी एफ्रो। तो अच्छा, तो आई फील लाइक फिर आप देखते रहते हो ये एलिमेंट्स आसपास लोग कैसे यूज कर रहे हैं। इस बात की जानकारी आपने मुझे क्यों नहीं दी घर पे, मुझे मैं ऐसे देख रही हूँ तुमको। मैंने खुद बना लिए एक दो गाने यार, मम्मी क्या बात कर रहे हो आप। मैंने खुद, मतलब एज इन not intentionally, it's just, you know, those sounds are so interesting. एक दो गाने बनाए हैं, देखते हैं उनका क्या अपना ये किस हाल है। किस कैटेगरी में आता है जख्म पुराना? जख्म पुराना पता नहीं यार, एक्चुअली बहुत ही मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी हमारा एक इवेंट था यूनिवर्सल के साथ ही, तो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, लाइक वी शोकेस्ड अ म्यूजिक वीडियो एंड आई मेट सम पीपल। तो ओफ कबीर जो है वो आके कहता है कि भाई यार ये तो बहुत सही है, इट्स वेरी डीप हाउस। आई वाज लाइक हाँ, लाइक मैंने सोचा नहीं था ये डीप हाउस है। डीप हाउस, व्हाट इज डीप हाउस? डीप हाउस इज अगेन अ जॉनर ऑफ हाउस म्यूजिक एंड लाइक द बेस, एंड लाइक मेजरली इट्स द बेस एंड द ग्रूव दैट्स रियली यू नो प्रोमिनेंट, एंड लाइक आपके बहुत सारे एलिमेंट्स इतने लाइक योर कैसे बोलूं, हाउ डू आई सिंपलीफाई दैट्स द शो फॉर यू, दैट्स द इट्स आई वुड से हाउस म्यूजिक जो है, जो फोर ऑन द फ्लोर म्यूजिक होता है जो आप पब्स में सुनते हो, इट्स अ जॉनर ऑफ दैट वेयर द बेस इज वेरी प्रोमिनेंट, अच्छा, द ग्रूव द किक एंड द बेस इज लाइक वेरी प्रोमिनेंट एंड लाइक यू जस्ट फील द बेस। तो इज इट सिमिलर टू EDM? या EDM इज नॉट, EDM मींस इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक, तो दैट गॉट रियली पॉपुलर लाइक आई वुड से वही आपके एंड ऑफ 2008-2009, देयर वाज अ बिग वेव जो चार पांच साल चली थी एंड लॉट ऑफ आर्टिस्ट वर डूइंग एंड इट वाज वेरी लाइक यू वुड वांट टू डांस ऑन इट, इट्स पॉप, इट्स इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। आई वोंट से दिस सॉन्ग जख्म पुराना इज EDM बिकॉज आई डोंट फील लाइक आप इस पर पागलों की तरह डांस कर सकते हो। येस द ग्रूव इज दैट,
but the song is very, you know, it's a sad song. And but we just बहुत ही naturally हो गया कि यार यही रहता है जब मैंने वे collaborating ये कोशिश हमेशा रहती कि कैसे कोई existing गाना है existing गाना नहीं मतलब as in कोई एक feeling है जो अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हुए आ रहे हैं जैसे सैड सॉन्ग्स जो होते हैं उनका म्यूजिक बहुत ही मेलो होता है काफी सॉफ्ट होता है जिससे आप वो दर्द बहुत महसूस कराया जाए आपको नहीं हो तो हो जाए लाइक हाउ कैन वी डू इट डिफरेंटली यू नो लाइक हाउ डू वी पुट इट अक्रॉस एज समथिंग वेयर यू नो लाइक एकदम सैड एंड देन सडनली लाइक द बीट ड्रॉप्स एंड यू लाइक ये क्या था ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो इट्स I mean, we like to bring that, you know, unexpectedness. So when we were making it, I sent it to my friend. So my friend was like, you know, this sounds like sad girl disco to me. I was like, what term is it? I was like, this should be a playlist. You know, the sad songs with like really cool music and beats to it.